Good morning students, this is the due nature of radiation and matter. Now discuss an experimental demonstration of wave theory given by Davison and German. हाँ, इसका यूज इसलिए कर लेंगे कि जो सीबीएसई है वो इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेती है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट है उसको हम डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो काफी बार सीबीएसई से पूछे बच्चों को वो एक चीज ध्यान रखती है, फिर उसको आज के वक्त भी बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते. फर्स्ट एक सिंपल सा डायग्राम है, डायग्राम में देखिए ये एक टंगस्टन का फिलामेंट है, ठीक है. टंगस्टन का क्या है, ये फिलामेंट है और इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की गई है. बेरियम ऑक्साइड से इसे कोट किया गया, लोअर टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट किया गया, लोअर टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट किया गया. एक रियोस्टेट लगाई हुई है, रियोस्टेट हम पढ़ चुके, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है. इसका क्या काम क्या है, लोअर बैटरी का, लोअर टर्मिनल बैटरी का यूज किया है कि ये क्या काम करेगी, हम इसको कनेक्ट करेंगे तो जो टंगस्टन बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग से है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन वेव प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होगी, ठीक है. अब ये इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होगी और ये स्प्रेड हो सकती है, इस तरीके से स्प्रेड हो सकती है, तो इसको स्प्रेडिंग को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए इसको फाइन बीम में कन्वर्ट करना था कि फैलेंगे और इट्स मे बी इन होल्ड इन द फाइन बीम. तो वी यूज टू होलिक सिलेंडर, ये भी एक होलिक सिलेंडर है और ये भी एक होलिक सिलेंडर है, ठीक है. एक होलिक सिलेंडर है, देयर इज अ होल बिटवीन देम, तो एक होल ये हो गया इसके अंदर और होल ये हो गया, ठीक है. इस सिलेंडर को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, सो इट इज नोन एज कैथोड. तो ये क्या होगी हमारे लिए, कैथोड हो गई. इसको हमने किससे कनेक्ट किया, इट बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इट इज नोन एज एनोड, ठीक है. अब इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, तो दे नॉट स्प्रेड द इलेक्ट्रॉन बीम आउटसाइड, दिट इज कन्वर्टेड इन टू ए फाइन बीम, तो इट्स कन्वर्टेड इन फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जर्नेट एंड पासिस थ्रू इट, ये पास हो, ठीक है. एक फाइन बीम है और ये इस तरीके से इसमें से क्या होगी, पास होगी एंड स्ट्राइक टू द निकल क्रिस्टल, ठीक है. अब निकल क्रिस्टल से जब स्ट्राइक होती है तो इट्स बैंड होना शुरू हो जाती है और दिस इज इंसिडेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम एंड इट इज द डिफ्रेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम और द एंगल बिटवीन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्कैटरिंग. तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या हो गया, इंसिडेंट एंड द स्कैटर लाइट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है. दिस इज आवर निकल क्रिस्टल एंड दिस इज द नॉर्म, इट इज कॉल्ड नॉर्मली, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल्स आर द सेम, एंगल्स क्या होंगे दूसरे के इक्वल हो गए, एक ओरिजेंटल लाइन लाइन लगाई और ये इसकी क्या हो गया, नॉर्म हो गया. दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बिटवीन, दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बिटवीन 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट, 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट. फर्स्ट क्या काम किया, अरेंज एट अप्लाई 44 वोल्टेज, इलेक्ट्रो बीम इज जनरेटेड बाय इट्स एंड इट स्ट्राइक्स एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज नोटेड व्हेन 44 वोल्टेज, फाई इज नोटेड एट 44 वोल्ट, ठीक है. देन वोल्टेज चेंज 45, 46, सो ऑन, 45, 46, ऐसे हम वोल्टेज को बार बार क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, 44, 45, 46 एंड then it goes at 54 volt, 54 volt, then angles come out to be 50 degree, कितना आ गया एंगल, 50 degree है, एंगल कितना है, 50 degree, and then 44, 55, 68, then angle also decrease, it is less than the 50 degree, ठीक है. तो मैक्सिमम एंगल ऑफ स्कैटरिंग एट 54 वोल्ट, 54 वोल्ट पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या था, सबसे ज्यादा था,
ठीक है। अब देखिए हम इसको प्रूव करेंगे कि भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है उसकी वेवलेंथ इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाली गई है और जो हमने पीछे फॉर्मूला लर्न किया गया कि दोनों से सेम आती है, तो ये हम इसके अंदर से प्रूव करना है। तो देखिए दिस इज आर स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस सम ऑफ दिस एंगल इज 180, देन थीटा प्लस फाइ प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 थीटा प्लस फाइ इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाइ बाय 2, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फाइ एट 54 इज 50 डिग्री, तो नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री, इट्स कम आउट टू बी 65 डिग्री, कितना आ गया 65, सोल्व कर लेना इसमें से और फिर इसको डिवाइड करना 130 आ जाएगा और 130 को डिवाइड करोगे तो 65 के आसपास आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब आता है अकॉर्डिंग टू ब्राग्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू ब्राग्स लॉ ये वेव थ्योरी के अंदर डिफ्रेक्शन जो हम पढ़ेंगे पढ़ाया जिसने पढ़ लिया या जो आगे हम करेंगे डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर मैंने तो अपनी वीडियो बनाई है अकॉर्डिंग टू ब्राग्स लॉ और अकॉर्डिंग टू डिफ्रेक्शन, दे इज अ फॉर्मूला, उसको हम फॉर्मूले को हम ब्राग्स लॉ भी बोलते हैं, तो इसको आप यहाँ इसको लर्न कर सकते हो और इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो कहाँ आएगा वेव थ्योरी के अंदर आएगा, वेव ऑप्टिक्स हो गया फिर वेव ऑप्टिक्स हो गया तो उसमें डिफ्रेक्शन एक प्रोसेस आता है उसके अंदर आएगा। फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। d का ध्यान रखना, d क्या है तो हम d यहां लिखते हैं, d इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, क्या है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन किस किसके बीच में है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन निकल मॉलिक्यूल्स, निकल क्रिस्टल्स, निकल क्रिस्टल, जो निकल क्रिस्टल है उनके बीच के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को हम डी बोल रहे हैं, ठीक है। तो निकल क्रिस्टल भी है, क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं। अब डी की वैल्यू खुद करते हैं, तो डी की वैल्यू आपको याद रखना है, लर्न करना है, जो इंटर निकल के जो क्रिस्टल है उनकी वैल्यू थी 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास वैल्यू थी। तो देखिए हम इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास क्या आ गया, 2d की वैल्यू, निकल क्रिस्टल की वैल्यू लर्न रखनी है 0.9 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा वैल्यू इसका अमाउंट टू दी साइन 65, मैक्सिमम एन की वैल्यू मान रखते हैं और लेंथ। नाउ वी सोल्व दिस वैल्यू, तो जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो लेंथ आ जाएगा 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो हमने एक्सपेरिमेंट से कितनी वैल्यू फाइंड आउट की, वेव लेंथ की 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नाउ वी फाइंड द वैल्यू अकॉर्डिंग टू, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, तो हमने पीछे पढ़ा था अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स वेव लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग बाय अंडर रूट वी, पीछे वाली वीडियो में देखा ध्यान से, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग बाय रूट वी, वी क्या है, वी इज द वोल्टेज, तो हमें 50 डिग्री और कितने वोल्टेज पे मिला था, इट फाउंड आउट 54 वोल्ट, तो वी की जगह हम कितना बुक कर देंगे 54, तो इट्स कम आउट टू बी 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग अंडर रूट 54 और दैट इज कम आउट टू बी 1.66 आर्मस्ट्रॉन्ग, बोथ आर नियर इक्वल सो द एक्सपेरिमेंट इज करेक्ट, तो एक्सपेरिमेंट हमारे क्या है ठीक है। तो फिर से देखिए हम दोनों जो दोनों नेमिंग है दोनों हेडलाइंस की अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, हमने एक डायग्राम दिया फिलामेंट लिया बेरियम ऑक्साइड है उसको हमने एक रियोस्टेट और लोअर टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट किया, लोअर टर्मिनल बैटरी क्या काम करेगी इसको इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगी जब हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना इसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा होता है जिसमें करंट को मेजर किया जाता है,
तो अगर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, इसके पीछे वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ ध्यान देना, ग्राफ को बिल्कुल ध्यान रखना है, करंट के बीच में और एंगल ऑफ स्कैटरिंग के बीच में, हम एंगल ऑफ स्कैटरिंग के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ होता है और ये सबसे ज्यादा किस पे आता है 50 डिग्री पे। तो ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अलग से सेपरेट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिवीजन जर्नल के अंदर आप एक्सपेरिमेंट के अंदर करंट और एंगल स्कैटरिंग के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो दिस इज द पीक वैल्यू और दिस पीक वैल्यू फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द डिफरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन इलेक्ट्रॉन बीम्स। तो कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो फिर अब वापिस से कर ले, हमने इसको क्या नाम किया, लोड टर्मिनल है, इसको क्लोज किया, यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम इमाइट भी, एक कैथोड एंड एनोड, कैथोड इट इज कनेक्टेड नेगेटिव, एनोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड दिस इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, इट इज मेजर बाय द दिस डिटेक्टर, ये डिटेक्टर इसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से, दिस इज आवर डिटेक्टर, विद द हेल्प ऑफ दिस डिटेक्टर वी कैन बी मेजर एंड डिटेक्टर इज मूविंग इन दिस सर्कल फॉर्म एंड कनेक्टेड विद ए गैल्वेनोमीटर व्हिच मेजर द करंट। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट लाइन है 180, थीटा थीटा 2 थीटा प्लस 5, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 5 बाय 2, 5 बाय 50, इट्स कम आउट टू 65 डिग्री। अकॉर्डिंग टू ब्रास ला 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा एंड दिस फार्मूला इज कम आउट इनटू डाइफ्रेक्शन व्हिच इज रीड इन द वेव थ्योरी। ठीक है, 2d d इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन निकल क्रिस्टल एंड इट्स वैल्यू इज 0.91 आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो हम ये वैल्यू यहां पुट करते हैं 2.091 आर्मस्ट्रांग इनटू sin 65 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1.65 आर्मस्ट्रांग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फार्मूला इज लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट v, v इज द एंगल 50 डिग्री कंपेयर्ड टू 54 वोल्ट, सो पुट द वैल्यू 54 एंड देन द वैल्यू इज कम आउट टू बी 1.66 आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो द न्यूमेरिकली द वैल्यू आर सेम, सो दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरीफाइड। द एंगल बिटवीन करंट एंड द एंगल ऑफ स्कैटरिंग is 50 degree and this is given by this peak value. The peak value indicates there is a constructive interference between the electron beam, different pair of the electrons beam in this experiment. ठीक है, इसको अच्छे से करना है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये मेरी तरफ से इसका शायद लास्ट टॉपिक है। थैंक यू।